साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमय उर्दू हिंदी में। आज हम पढ़ेंगे, आज हम पेपर ले गए हैं आपके लिए सॉल्व करने के लिए, डेटा एंट्री का ऑपरेटिंग थ्योरी वाला। ये 336 यू आप जानते हैं कि जो है 336 यू जो है सेकेंडरी का है, लेकिन सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का है, और सेकेंडरी का भी हम बना देंगे। फिलहाल हम सीनियर सेकेंडरी का बना रहे हैं 12th क्लास के लिए ही, और मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं। तो आप पहले इन चीज़ को समझ लिए क्या है। तालिबे इल्म को सवालनामे से पहले सफ़े पर अपना रोल नंबर लिखना है, यानी जब आप पेपर में जाएंगे इस जगह अपना रोल नंबर लिख लीजिएगा। उसके बाद है मेहरबानी करके अपने सवालनामे को जाँच कीजिए कि तमाम सवालात सफात और सवालात की अपनी ही तादाद उतनी ही तादाद है जितनी पहले सफ़े के सबसे ऊपर छपी हुई है। ठीक है, यानी इसमें कुल 6 सवालात और 7 छपे, और आके देख लीजिएगा। इस बात की भी जांच कर लीजिए कि सवालात सीरीज में हैं, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे हैं। अगला पॉइंट है, तालिब इल्म जवाब की कॉपी में अपने सवाल रोल नंबर के अलावा अगर कोई पहचान का निशान या हिदायत लिखता है तो उसे इम्तिहान से खारिज कर दिया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, आप सिर्फ जो है अपना रोल नंबर लिखिएगा और कुछ मत लिखिएगा, उल्टे सीधे साइन मत बनाइएगा, उसकी वजह से आपको जो है खारिज कर सकते हैं। आप कहेंगे जी मैं 0 क्यों आ गया और ये क्यों आ गया, इसी वजह से चीज़ करें। अपनी जवाब की कॉपी पर सवालनामे का कोड जैसे सेट ए 6E और ये सारी चीज़ें जो भी दे रखी हों ये ज़रूर लिखिएगा, यहाँ पर दे रखी होती हैं आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, सवालात के जवाब जैसे तकाबुल, सही या गलत, खाली जगहों को पुर करने का जवाबी कापी में ही लिखना। ठीक है, जवाबी कापी में ही आप इसे लिखेंगे, इसमें मत लिख देना ये सवालनामा है कभी, इसमें लिख के और जो है चल दो। चलिए सवाल पढ़ना शुरू करते हैं, कैसे कैसे आएंगे। ये जहाँ पे आपको कुल मार्क्स 40 होंगे और 2 घंटे का वक्त होगा आपका, तो तमाम सवालात लाजमी, हर सवाल के नंबर उसके सामने दर्ज हैं। तो पहला जो सवाल है वो ये है, मंदरजा ज़ेल में खाली जगहों को पुर कीजिए। पहला सवाल है, कंप्यूटर के ALU और CU को एक साथ मिलाकर क्या कहते हैं, CPU कंट्रोल प्रोसेस यूनिट, इसकी जो है फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। बी है इसका के तर्जुमे के बाद कंप्लायर के ज़रिए तैयार शुदा प्रोग्राम कहलाता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, याद रखिएगा। तीसरा सवाल है कि MS Excel में कॉलम और रो के इंट्रैक्शन को कहते हैं, मतलब जो रो होती है और कॉलम होते हैं उन इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, सेल। ठीक है, इस तरह से बना हुआ होता है, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, इस तरह से जो है बॉक्स टाइप ये बना हुआ होता है। ठीक है, इस तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे कि MS Excel में फंक्शन सबसे कम कदर को चुने हुए सेल रेंज में वापस करती है, यानी मिनिमम पता करना होता है ना हमें, जब ये यूज़ होती है मिनिमम, जैसे आप जो है सबसे छोटा पता करना, तो मिनिमम वहाँ इसका यूज़ होता है, मिनिमम का मतलब मिन, शॉर्ट में मिन लिखते हैं। तो आप अपने सेल में सबसे छोटी कीमत को पता कर सकते हैं, तो यहाँ पे मिन है क्या है। अगला सवाल है कि जब फाइल्स और फोल्डर्स को हार्ड डिस्क से डिलीट किया जाता है तो विंडो उन्हें में डाल देता है, विंडो उन्हें किस में डाल देता है, रिसाइकल बिन में, रिसाइकल बिन में चले जाते हैं, वहाँ से आप रिस्टोर कर सकते हैं। FS का के स्लाइड्स को दोबारा तरतीब देने के लिए का व्यू का इस्तेमाल किया जाता है, स्लाइड शॉर्टर का इस्तेमाल किया जाता है। वेबसाइट एक या एक से ज़्यादा स्लाइड शॉर्टर का मजमुआ है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे अगला है कि रिकॉर्ड किए हुए कमांड्स और हिदायत का सेट कहलाता है क्या, प्रोग्राम। अब अगला है, क्या इस्तेमाल एक साथ एक से ज़्यादा लोगों को ख़त भेजने के लिए किया जाता है, जब ख़त या मेल का मवाद यकसा हो, यानी एक जैसी बात बहुत सारे लोगों को भेजनी है तो हम क्या करते हैं, मेल मर्ज, याद रखिए। गूगल की एक मिसाल है, गूगल किसकी एक मिसाल है, सर्च इंजन की, गूगल की तरह और भी सर्च इंजन होते हैं जैसे याहू है और भी बहुत सारे हैं, तो आप उन सबसे जो है सर्च कर सकते। अब है ये वाला 5 नंबर का है, 5 नंबर का है, और
इसमें तकरीबन जो है 10 हैं, आधे आधे नंबर के 10 जेल में दिए गए बयान में सही या गलत बताएं। कंप्यूटर में तमाम हिसाब किताब मेमोरी के जरिए किए जाते हैं। बिल्कुल सही है, मेमोरी कैलकुलेशन करके रखती है। अगला सवाल है कि सीआरटी स्टोरेज मीडियम है, सीआरटी स्टोरेज मीडियम है, गलत, बिल्कुल गलत जवाब है, सीआरटी स्टोरेज नहीं है, सीआरटी स्टोरेज मीडियम नहीं है। विंडोज 95 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला है कि विंडो प्रोसेस एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो डॉक्यूमेंट बनाने और एडिट करने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज लो लैंग्वेज भी कहते हैं, सही बात है। पाइवट टेबल डाटा को तजिया में मदद करता है, ये भी बिल्कुल सही है, तजिया कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। स्लाइड सॉर्टर व पॉइंट स्लाइडर को खुद ब खुद हर्फ तहजी के लिहाज से तरतीब दे देती है, सही बात है, अपने आप वो ऐड कर देती है। विंडो एक्सपी एंड CUI पर मबनी इंटरफेस मोड है, सही जवाब है। प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड्स को एंटर करने के लिए कंट्रोल ओ दबाएं, बिल्कुल गलत है, कंट्रोल ओ नहीं दबाते, कंट्रोल एम दबाते हैं, वो नई स्लाइड उसमें आ जाती है, ये गलत। ISDM से मुराद इंटर सर्विस डिजिटल नेटवर्क है, बिल्कुल सही जवाब है। तो ये यहाँ पे हमारे पूरे हो गए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ रहे हैं बड़े बड़े, और मैंने आपके लिए जो है यहाँ पे किताब भी रख रखी है अपने पास ही, मैंने कहा क्योंकि जो है बहुत सारे सवालों के जवाब हैं और इनके जो है निकालना बड़े मुश्किल हो जाएंगे, तो मैंने लिए इसी वजह से मैंने ये दो रख ली किताबें अपने पास, ताकि मैं आसानी से आपके लिए सारी चीज़ें कर सकूँ। तो सबसे पहला सवाल जो है भाई ये है कि मंदरजा जेल में से किसी दो की तारीफ बयान कीजिए, दो ही करने हैं आपने, तीन नहीं करने, लेकिन मैंने यहाँ तीनों करके तीन कर रखे हैं, ताकि आप तीनों में से अगर बाई चांस आ गया तो वो भी आप हो जाए। जैसे तारीफ बयान करनी, LCD किसे कहते हैं, तो LCD की तारीफ के लिए मेरे पास ये बुक है, इसमें से मैं निकालता हूँ। LCD जो है ना कोर्ट क्रिस, ठीक है, LCD में आया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या कह रहे हैं, इस किस्म की मॉनिटर फ्लैट पैनल मॉनिटर भी कहते हैं, इसमें ज़्यादातर मॉनिटर मेजर के लिए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD का इस्तेमाल करते हैं। आजकल LCD मॉनिटर काफ़ी मकबूल हो चुके हैं। देखिए किस तरह का होता है, फ़ोटो भी दिखाता है, ये वाला जो होता है ये LCD मॉनिटर होता है, ये पहले चलता था हमारे, अब तो ये ख़त्म ही हो गया। तो ये वाला सवाल मैंने आपके लिए कर दिया। अगला है हाइपर लिंक क्या होता है भाई, ये बहुत आसान है। देखिए लिंक बना देते हैं हम कंप्यूटर में फाइल का, उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो दूसरी फाइल, इसमें कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग दस्तावेज़ में एक जगह जो किसी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ मुंसलिक है, मतलब एक ही फाइल में बहुत सारे आपने हाइपर लिंक बना दिए अलग अलग फाइलों के, जैसे उस पर लिंक क्लिक करते हैं एकदम वो खुल जाती है दूसरी फाइल। जैसे आपके व्हाट्सएप में कोई लिंक आता है, आप क्लिक करते हैं तो कहाँ जाके खुलता है, यूट्यूब में, क्रोम में, अलग अलग जगह जाके खुलता रहता है। पावर पॉइंट में मास्टर व्यू, चलिए मैं बता देता हूँ कहाँ है। स्लाइड शो मास्टर व्यू के बारे में है, जिसका इस्तेमाल आप यकीनी आपकी पेशकश को सामयीन के सामने, चूँकि आज आपकी पेशकश इसमें सभी आवाज़ें अपनी मेंशन पड़नी है और लिहाजा आप देख सकते हैं शो दरहकीकत अंजाम पसीर है। स्लाइड शो का इस्तेमाल करके विंडो के नीचे दाएं तरफ शो पर क्लिक करें, स्लाइड शो कमांड्स का इंतखाब हो जाएगा, यही होता है मास्टर व्यू, जिसमें हम जो है पूरे तरह से किसी को देख लेते हैं। आप यहाँ से उतार लीजिएगा, दोबारा पाउस कर, ठीक है जी, तीनों कर दिए मैंने, आपको दो ही करने। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, राइट इन शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग, मतलब 10 जेल में मुख्तसर नोट लिखे, सभी पे लिखना है, चारों के। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले है ये पेरीफेरल डिवाइस,
पेरिफेरल डिवाइस जो है एक अंदरूनी या बैरूनी डिवाइस है जो कंप्यूटर या दूसरे डिजिटल से बराह रास्त जोड़ती है, लेकिन कंप्यूटर के बुनियादी काम में हिस्सा नहीं लेती। जैसे कंप्यूटिंग ये अख्तितामी सार्फिन को कंप्यूटर की खसूसियात तक रसाई और इस्तेमाल करने में मदद फराहम करता है। अगला सवाल है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आसान है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करता के लिए डिज़ाइन बनाया गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर की मिसालों में ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मैक्स वगैरह शामिल है। अब तीसरा जो है वो है फिल्टर इन एक्सेल में फिल्टर क्या है। एमएस एक्सेल में डेटा फाइल्स करने से मुराद सिर्फ उन कतारों को जाहिर करना है जो हम देखना चाहते हैं और बाकी कतारें छिप जाती हैं। जैसे आपको सिर्फ किसी का नाम देखना है तो नाम पे फिल्टर करिए नाम आ जाए। आपको किसी के पिता का नाम देखना है, पिता के नाम को फिल्टर करिए, सब हट जाएगा लेकिन पिता के नाम। जिस चीज़ को आपको पता करना है सिर्फ वो आएगा और बाकी सब हट जाएगा। ठीक है जी, चौथा सवाल है वर्क बुक क्या है। वर्क बुक पे लिखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास नोट्स भी, और हाँ नोट्स बने हुए हैं भाई इन सब चैप्टर्स के, आप जो है उनसे भी तैयारी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जितने भी लेसन्स हैं इसके 10, उन 10 के 10 लेसन्स की क्या नाम है मैंने वीडियो बना रखी है, तो प्लीज़ आप उनको भी देखिए ताकि आप जो है समझ सकें। ठीक है, वर्क बुक के बारे में तो निकालता हूँ। तो वर्क बुक से रिलेटेड मैंने सवाल निकाल लिया, लेकिन इसमें दो हैं तो आप वर्क बुक से एक्सेल वर्क बुक और एक्सेल वर्क बुक में वर्क शीट की तादाद होती है, मतलब एक पूरी वर्क बुक होती है इसमें, जबकि वर्कशीट का मतलब है एक। एक्सेल वर्क बुक में एक ही शीट होती है और एक्सेल वर्क बुक मुकम्मल, यानी एक्सेल जो शीट होती है उसमें सिर्फ एक होती है, एक्सेल बुक में मुकम्मल किताब होती है। ठीक है, तो वर्क बुक इस तरीके से होती है, देखिए फ़ोटो भी दिखा रखा है आपने, इस तरह से वर्क बुक में 255 शीट होती है। ये भी आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा क्या होता है कैसे होता है। चलिए, तो ये वाला हमारा जो है चौथा सवाल भी पूरा हो गया है। अब इसके बाद अगला सवाल है भाई, ये वाला अगला सवाल है कि मंदरजा जेल के दरमियान फ़र्क कीजिए कैम्प्लायर और असेंबलर। चलिए, मैंने इसके निकाल रखे हैं, उम्मीद है कि आपको समझ, बुक में से भी है, नोट्स में से भी है, सब में से करा रहा हूँ। लो जी लो, निकाल दिया मैंने सवाल का जवाब। क्या था सवाल देख लो। ठीक है, कैम्प्लायर एंड असेंबलर फ़र्क बताना। तो देखते हैं, जैसा कि आप जानते हैं हाई लेवल लैंग्वेज मिशन लैंग्वेज है असेंबली के, हालांकि मशीन पर मुनासिब लैंग्वेज है जिसके भी हिदायत के जरिए जाहिर करने वाली मैनुमेशन बराह रास्त नहीं कर पाती, लिहाजा दोनों ज़बानों के ज़रिए फराहम की जाने वाली हिदायत को मशीन के लिए काबिल फहम बनाने के गरज से असेंबलर और कैम्प्लायर तैयार किया गया। ठीक है, अब देखिए कैम्प्लायर क्या होता है। वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को अंजमा जो हाई लेवल लैंग्वेज को लिखे गए प्रोग्राम को पढ़कर मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में तब्दील कर देता है, कैम्प्लायर कहलाता है। ठीक है जी, और ये होता है वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को पढ़कर मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में तब्दील ट्रांसलेट कर देता है, असेंबलर कहलाता है। ठीक है जी, ये दोनों में आप अंतर लिख लीजिएगा क्या सोर्सेज हैं और कैसे कैसे। उम्मीद है वाला समझ में आ गया हो। अगला है हेडर और फुटर, बड़ा अच्छा सवाल है। हेडर और फुटर में फ़र्क बताते हैं। हेडर फुटर में फ़र्क आ गया जी, यहाँ पे हेडर और फुटर में फ़र्क बताएं, वही सवाल है हमारे इसमें भी, हेडर और फुटर। ठीक है, 10वीं में भी आ जाता है, 12वीं में भी आ जाता है। तो हेडर दस्तावेज़ एक सेक्शन है। हेडर वो मतन है जो हर सफ़े के बाएं बालाई यानी ऊपर हाशिए में शामिल किया जाता है, मतलब टॉप पर आता है, ये जो है ऊपर के हिस्से में आता है हेडर। आप देख भी सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक इमेज बनाई है, यहाँ पे हेडर ऊपर की साइड में आता है और फुटर जो होता है वो नीचे की साइड में आता है पेज पर। ठीक है जी, मसलन सफ़ा नंबर, तारीखी मनसफ का नाम वगैरह। फुटर वो मतन है जिसे निचले हाशिए में शामिल किया जाता है, इसमें भी सफ़ा नंबर, तारीखी मनसफ का नाम वगैरह होता है।
नोट जो तवील मतन को मुनज्जम रखने और उन्हें पढ़ने में आसानी पैदा करने में मदद करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको आसानी से यहाँ से छाप के भी लिख सकते हैं। और भाई वो 10 मेरी वीडियो है, अगर आपने वो देख ली तो ये क्वेश्चन पेपर तो कुछ भी नहीं है। आप कहेंगे जी बस उसी से हो गया, सो उन्हीं की तैयारी भी कर सकते हैं। अगला सवाल है, लेकिन मैं फिर भी भाई करा रहा हूँ, पाई चार्ट और बार चार्ट, ठीक है? ये चार्ट की किस्म है अलग अलग, पाई चार्ट बार चार्ट, बुक में से करा देता हूँ, बुक में लिखा हुआ है। चलिए इसमें भी मिल गया मेरे क्वेश्चन पेपर में, इसमें से ही करा देता हूँ आपको पाई चार्ट और बार चार्ट। पहले बार चार्ट कर लेते हैं। बार चार्ट का इस्तेमाल इनफरादी आइटमों के दरमियान मुआजना करने के लिए किया जाता है। बार चार्ट बनाने के लिए डाटा वर्कशीट पर कॉलमों और कतारों की शक्ल में मुरतब करना चाहिए। ये एक ग्राफिकल एग्जिट है जो डाटा की नुमाइंदगी के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह से होता है, देखिए इस तरह का होता है। अब है भाई पाई चार्ट। पाई चार्ट आपने स्कूल में ही पढ़ा होगा आपने, तो पाई चार्ट है। जब आप कोई नस्बती तनासब को जाहिर करते हैं तो पाई चार्ट बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। पाई चार्ट के मामले में सिर्फ एक डाटा सीरीज का इस्तेमाल होता है। पाई चार्ट आमतौर से ज़्यादा 5 या 6 डाटा पॉइंट या स्लाइड होते हैं। अगर पॉइंट की तादाद बहुत ज़्यादा है तो चार्ट की तर्जुमानी मुश्किल है। इसके अलावा ये बात भी काबिल गौर है कि पाई चार्ट में इस्तेमाल होने वाले खतरे मुस्बत होने चाहिए। अगर कुछ खतरे मनफी हैं तो इस सूरत में तमाम मनफी खतरे खुद ब खुद मुस्बत हो जाएंगे। इस तरह का होता है, आप देख भी सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह का है पाई चार्ट। अब है अगला स्लाइड शो वो और स्लाइड पेन, तो इसके बारे में मन बताना है। स्लाइड शो और स्लाइड पेन व्यू के बारे में देखते हैं, बुक में या कॉपी में। स्लाइड शो व्यू ऐसा व्यू है जिसका इस्तेमाल करके आप इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि हर चीज़ सही जगह पे मौजूद है या नहीं। यह इसका इस्तेमाल उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप अपनी पेशकश सामईन नाज़रीन के सामने, चूँकि आपकी पेशकश में सभी आवाज़ें अपनी मशीन सेशन का काम हो, लिहाजा आप देख सकते हैं शो दरहकीकत किस तरह अंजाम पसंद। स्लाइड शो व्यू को इस्तेमाल करने के लिए विंडो में नीचे की तरफ दाएं जानब स्लाइड शो बटन पर क्लिक करें या मेन्यू बार में स्लाइड शो व्यू को कमांड्स का इंतजार। उम्मीद है ये वाला सवाल भी आपके क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद है भाई FTP, TCP और IP, इनके बारे में बताना है क्या फ़र्क है क्या। तो मेरे पास जो है इसमें लिखे हुए हैं और अच्छी बात यह है कि मेरे पास मिल गए, वरना मुझे चांस उम्मीद नहीं थी कि मुझे मिल जाएंगे क्योंकि इस तरह के इनके नाम थे। लेकिन ये जो है मैंने कहा ना आपसे, इस बुक में जो क्वेश्चंस तैयार हैं बड़े ही अच्छे तैयार हैं क्वेश्चंस, और जिस मदद से मैंने तैयार करे हैं वाकई जो है तारीफ़ के काबिल है, बड़ी मेहनत करी और इसमें आपके लिए बनाए गए हैं। चलिए मैं रोक के डायरेक्ट क्वेश्चन का देखिए, मिल गया मुझे ये 10वें सबक में, अगर आप वहाँ से चाहेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। अब है TCP और IP, उसमें एक और था वो भी इसी तरह का होता है। देखिए इंटरनेट से मुंसलिक हर कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है जैसे IP, TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल या प्रोटोकॉल। ये सॉफ्टवेयर का मौसूल करने, इरसाल करने और उसको जांच करने में जिम्मेदार। TCP/IP दरअसल इंटरनेट की लोग कहलाते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और अगला सवाल जो है उसकी तरफ चलते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ की तब्दील, फ़ॉन्ट साइज़ कैसे तब्दील करते हैं। तो इसका ये जो सवाल है कि फ़ॉन्ट साइज़ की तब्दीली कैसे होती है, क्या होता है, तो देखिए इसके लिए जवाब है, जब आप एजेंट में जाएंगे वहाँ पे आपको सेल्स से जिसके बारे में आपको करना है, फ़ॉन्ट टैब ऑप्शन है उस पर आप जा सकते हैं। इसमें फ़ॉन्ट साइज़ फेस इस्तेमाल करके फ़ॉन्ट फॉर्मेट टूल में जा सकते हैं और बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन से मुतालिक फॉर्मेट शेयर डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ जाएंगे
यहाँ पे बोल डिटेलिंग, साइज छोटा बड़ा सब चीज़ें कर सकते हैं। मीरे के वाला सवाल तो इस तरह इसमें कर सकते हैं। अगला सवाल है डॉक्यूमेंट का तहफ़्फ़ुज़। देखिए फ़ॉन्ट फेज भी यहीं पे मैं आपको बता दूं, कभी आप परेशान हो डॉक्यूमेंट का तहफ़्फ़ुज़ फिर उसके बाद बता दूं। फ़ॉन्ट फेज, साइज, स्टाइल, ये सब इसी में, यही सारी बातें आपको लिखनी है, आप नोट कर लीजिए इसमें, ठीक है। अब मैं अगला बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट का तहफ़्फ़ुज़। डॉक्यूमेंट का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगे, क्या है इसके अंदर, क्या इसका आंसर है, किस तरीके से वर्कशीट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना। वर्कशीट में ही बता दूँ, और उसमें करने के लिए इकदाम, होम टैब का इस्तेमाल कीजिए, सेल ग्रुप में फॉर्मेट का इंतखाब कीजिए, ठीक है। ड्रॉप डाउन मेन्यू में प्रोटेक्ट शीट का, प्रोटेक्ट शीट डायलॉग बॉक्स पे जाहिर होगा। शीट को महफूज करने के लिए पासवर्ड टाइप कीजिए, कंफर्म पासवर्ड डायलॉग बॉक्स में दोबारा टाइप कीजिए। इस तरह वर्कशीट को महफूज कर सकते हैं। देखिए फिगर से भी दिखाता हूँ, यहाँ आना है, फिर यहाँ पर आना है, फिर प्रोटेक्ट पर आना है, यहाँ लॉक लगाना है, फिर से लॉक लगाना है। इस तरह आपकी प्रोटेक्शन हो जाएगी, डॉक्यूमेंट का तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा। उम्मीद है कि जो मैंने आपको ये समझाया वाला सवाल समझ में आ गया होगा। और एक और है भाई, डॉक्यूमेंट फ़ॉन्ट साइज़ की हो गई, डॉक्यूमेंट का तहफ़्फ़ुज़ हो गया, फ़ॉन्ट फेस हो गया, पेज मार्जिन, पेज सेटअप में आता है पेज मार्जिन, ठीक है जी। मार्जिन का मतलब होता है कि आप जो है उसमें किस तरह से साइट में, जैसे इसके साइट में जगह छूटी हुई है ना, कितनी जगह छोड़ना चाहिए। एम एस वर्ड में पेज सेटअप का इसमें मार्जिन का पेज सेटअप बॉक्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाशिए के ऊपर बॉक्स पे आप जो है पेज लेआउट में इंतखाब कीजिए, और जाहिर होगा छह किस्म के हाशिए दस्तियाब होंगे, जिसमें तयन के नाम है, नॉर्मल, नेरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर और डिफ़ॉल्ट 2000। हज़ब ज़रूरत आप ले सकते हैं और इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दस्तावेज़ में हेडर फुटर मौजूद है, सफ़े के किनारे पर जितने फासले पर यह मतलब ज़ाहिर होगा, उसके हाथ से भी किया जा सकता है, ये सारी बात। देखिए इस तरह इसमें दिखा भी रखा है, कहाँ होगा। उम्मीद है कि वाला सवाल भी आपके क्लियर हो गया होगा। और ये क्वेश्चन पेपर का बस अब आखिरी क्वेश्चन ही आते हैं, प्लस माइनस के भाई कर लेना है। जैसे सम है बी से एफ तक, तो बी सेमी कोलन लगा हुआ एफ तक करना, यानी ये पूरी आपको जो रो है ना ये करके देखनी है, करके देख लेना, प्लस ये आएगा 130। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको प्लस करना है, कर लेना भाई। मैक्सिमम में ये है कि बी टू सेमी कोलन एफ टू, बी से एफ के बीच में सबसे बड़ा नंबर जो है वो निकाल के आपको दिखाना है। उम्मीद है कि ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपके लिए जो मैंने करा था, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और आपके लिए हम ऐसे ही वीडियोज़ बनाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपने दोस्तों में शेयर करिए। सभी चैप्टर के क्वेश्चन पेपर, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर अपलोड करूँगा उर्दू में, और जो है आपके लिए 10th और 12th दोनों क्लासेस के अलग अलग भी नोट करवाऊँगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। शुक्रिया।